हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्वेस्ट फॉरएवर में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में जिस तरीके से यहां पर गिरावट हुई है। ओके, पोर्टफोलियो सबके नेगेटिव में आ गए हैं, और नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव में तो चल ही रहे थे, 20% गिर चुके हैं, 25% तक गिर चुके हैं, एज पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है। तो देखिए, मार्केट में ये सब चीज़ होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। तो करना क्या है, क्या नहीं करना है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट इससे पहले ये वीडियो मैंने बताई थी कि बजट के बाद बाहर जरूर आती है, तो एक दिन पहले ये वीडियो आई है, जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर चीज़ें आपको एक्चुअल में यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी, और इस वीडियो में आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हुए नजर आऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट में गिरावट तो होती रहती है, बट गिरावट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसके बाद रिकवरी भी आती है, और वो जब रिकवरी आती है तो अच्छी खासी रिकवरी आती है और आपके पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बट इस रिकवरी का फायदा कैसे उठाना है, ओके, क्योंकि अभी तो नेगेटिव में उधर तक जाने के लिए 20% यहाँ पर पोर्टफोलियो को दोबारा जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से आपको तब फायदा उठाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, और आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को जाके देखें और सीखे जितने भी सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो गिरावट है ना, ये कभी भी आपको डराया नहीं करेगी, आप यहाँ पर डट के खड़े रहे करेंगे, और उसके बाद जब आपके पैसे बनेंगे तो याद रखिए अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे। तो प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए, और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, इस माहौल में आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है कि और किस तरीके से डर पे आपको विजय प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करके दिया जाएगा, जो कि जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपका पैसा अपने आप आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 जो यहाँ पर गिरा है कि रीजन क्या है। रीजन तो आपको सभी को पता है, न्यूज़ पे वही दिखा रहे हैं, चाहे कोई भी न्यूज़ उठा लीजिए, स्टॉक मार्केट की उठा लीजिए, नॉर्मल उठा लीजिए, क्या रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है, वॉर की स्थिति पैदा हो गई है, ओके, वो सारी की सारी सिचुएशन है। कल अगर हम यहाँ पर देखें तो डो जोन्स जिस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा था तो वो भी यहाँ पर समझ में आ गया था, देखिए नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद 450 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट, 464 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और आज अभी क्या करता हुआ नजर आएगा उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ओके, तो आपको वो भी चीज समझ में आएगी। देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश होता हुआ नजर आया। इसके अलावा हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की, ओके, तो यहाँ पर ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर मोस्टली सारे के सारे इंडेक्स यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी अच्छी गिरावट है, 6%, 5%, 4% की लगातार गिरावट। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि निफ्टी स्मॉल कैप में कंपेयर यहाँ पर ज्यादा गिरावट होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिड कैप में उससे कम होगी और स्मॉल लार्ज कैप में उससे कम होगी, तो वही आज सिलसिला होता हुआ नजर आया। बट जब रिटर्न का बात आएगी तो याद रखिए स्मॉल कैप ही सबसे ज्यादा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, मिड कैप उससे थोड़े से कम और लार्ज कैप उससे थोड़े से कम, तो ये रिस्क उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ भी जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। क्यों बढ़ जाता है, तो इसके पीछे सिंपली मार्केट की कैपिटल, मतलब स्मॉल ये कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्केट में बहुत टाइम बहुत बार गिरावट हुई है, ओके, 1929 में यहाँ पर गिरावट हुई थी, तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज आपको एक कॉन्फिडेंस दे सके, आपको ये चीज बता सके, आपने देख भी लिया होगा टीवी पे भी यही दिखा रहे थे, बट मैं आपको कुछ डेटा और यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 1920 में भी इस तरीके का एक क्रैश हुआ था अच्छा खासा, बट उसके बाद जब रिकवरी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी हुई है, टाइम लगेगा, ये नहीं है कि तुरंत के तुरंत हो जाएगा, बट रिकवरी की आएगी और रिकवरी आने पर यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, और बीच में इस तरीके के हर्डल्स आते रहेंगे। अगर कोई कह रहा है कि बुल मार्केट खत्म हो गई है तो याद रखिए बुल मार्केट खत्म नहीं हुई है, बुल मार्केट अभी और चलेगी, और ये बुल मार्केट अभी तो जस्ट बिगनिंग है,
तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर, और इसके अलावा ये जो जितना भी मैटर है ये सारा का सारा एक्सटर्नल मैटर है, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है। किसी स्टॉक्स में प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मार्केट में प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की एक वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक्स है, स्टॉक मार्केट है, जितने भी इंडेक्सेस है, वो सारे के सारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको इसमें पैनिक होने की, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तो आपके स्टॉक्स ही सबसे पहले यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे। 1982 में इस तरीके से ही एक गिरावट हुई थी, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भागते हुए नजर आया था। नहीं, 2000 में भी इस तरीके की गिरावट हुई थी, जब .com आया था, उसके बाद भी इस तरीके से भागता हुआ नजर आया था बाजार। और यहाँ पर 2009 में भी यहाँ पर गिरावट हुई थी, 2008 में जब यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तब उसके बाद भी यहाँ पर मार्केट इस तरीके से भागती हुई नजर आई थी। यहाँ देखिए 44% तक मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गए थे, और इसके 35 मंथ्स के अंदर अंदर, तो यहाँ पर 2.5 साल लगे थे, यहाँ पर इक्वल हो गया था। ओके, और बॉटम बनाया था, बॉटम बनाने के ऊपर गया, और ऊपर बनाने के बाद जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक रिकवरी, उससे भी ज्यादा रिकवरी होती हुई नजर आई थी। फिर एक गिरावट आई थी फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि 2008 में हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा था, बट उसके बाद भी देख देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स भागते हुए नजर आए। और यहाँ पर 2008 में जिसने खरीदा था, तो बहुत सारे स्टॉक्स 2008 में, जैसे कि बजाज फाइनेंस की बात कर लूँ, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता, आज की डेट में करोड़पति होता। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कि अवंती फीड्स हो गया, ये और भी बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जो कि यहाँ पर आए थे, और आने के बाद यहाँ पर आप करोड़पति यहाँ पर 12 साल के अंदर अंदर बनाते हुए नजर आए। 1 लाख रुपए लगाया, 1 करोड़ रुपए मिला। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग होती है। तो बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे कि अभी मार्केट में गिरावट होती हुई नजर आ रही है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, तो आपको उन स्टॉक्स को चुनना है, होल्ड करके बैठना है लंबे टाइम के लिए, तो अच्छा पैसा बनेगा। स्विंग ट्रेड भी करने हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, सब चीज यहाँ पर करने को आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई यहाँ पर आपके पास पैसा है लगा सकता है धीरे धीरे करके, और जब पैसा भागे बढ़ेगा तो याद रखिए आपका पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दोबारा से एक गिरावट हुई थी 2017 में, जब यहाँ पर चाइना मेल्टडाउन से रिलेटेड हुआ था। 10 महीने में 24% मार्केट गिरा था, 10 महीने में यहाँ पर रिकवरी हो गई थी। फिर ये कोविड का सीजन आ गया, अब अगेन यहाँ पर एक पैराग्राफ और जुड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो वॉर से रिलेटेड आपने यहाँ पर देखा होगा कि काफी बार वॉर भी हुए, तब भी यहाँ पर गिरावट हुई, और गिरावट के बाद फिर यहाँ पर मार्केट भागी है। फिर अलग अलग तरीके के क्राइसिस हुए हैं, पैंडमिक आया है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां आई है, तब भी मार्केट गिरे है, और गिरने के बाद जब रिकवरी हुई है, तो मार्केट को की दिशा क्या है, मार्केट की दिशा केवल ऊपर जाना है, बीच में हर्डल्स आते रहेंगे, और ये अभी जस्ट बिगनिंग है। तो याद रखिए जब चीजें सुधरती हुई नजर आएगी तो यही स्टॉक सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वो रिएक्ट करेंगे, और आपका पोर्टफोलियो अगेन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, देखिए सबके पोर्टफोलियो, किसी के 15%, किसी के 20%, किसी के 25%, किसी के 22%, लगभग इसी दायरे में यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट से और रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि निफ्टी, पहले निफ्टी 50 का ले लेते हैं, कि एक रेंज में घूम रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये रेंज जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि 1400 और 1500 पॉइंट्स के अंदर अंदर ये निफ्टी घूमती हुई नजर आ रही है, और इस तरीके की गिरावट पहले भी हुई है और इसके बाद चीजें भागी भी है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि यहाँ पर ऊपर का लेवल ये है और नीचे का लेवल ये है, अगर ये क्रॉस होता है तो मार्केट में अच्छी खासी और गिरावट होती हुई नजर आएगी। आज उस लेवल से सीधे ओपनिंग ही यहाँ पर गिरावट यहाँ पर नीचे की तरफ हुई थी, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लेवल था वो यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आया है, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस इससे यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर ये यहाँ से टूटता है कल, अगर आज रात में डोजोन से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है, तो याद रखिए ये लेवल को तोड़ेगा, और ये लेवल को तोड़ने के बाद किस लेवल पे जाएगा, फिर सीधे 15,500 के रेशो में आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो इधर तक मार्केट में गिरावट हो सकती है, लगभग कितने 700 पॉइंट 800 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा और यहाँ पर डाउन होगा, बट उसके बाद जब एक रिकवरी होगी, क्योंकि यहाँ पर राउंडिंग अब बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद जब रिकवरी होगी तो एक बेहतरीन रिकवरी होगी और यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दोबारा जाएगा। करना क्या है उससे रिलेटेड यहाँ पर अभी बता देता हूँ। देखिए रिकवरी तो होगी, ओके, 3 से 6 महीने ये रिकॉर्ड रहा है कि 3 महीने में या 6 महीने में, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि 3 से 6 महीने में ये रिकवरी आ गई है, ओके, बल्कि जितना मार्केट गिरा है उससे ज्यादा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आया है। तो इन दैट केस करना क्या है, आपको और ग्रीडी नहीं होना है। जब आपके स्टॉक्स
यहाँ पर प्रॉफिट देने लग जाए, आपको यहाँ पर कम से कम अपने पोर्टफोलियो का, जैसे कि 1 लाख रुपए है तो लगभग 20 से 30 हजार रुपए, लगभग 20 से 30% आपका पोर्टफोलियो का यहाँ पर कैश इन करना है। और कैश इन करने के बाद, क्योंकि ऊपर जो चीज जाती है फिर दोबारा नीचे आती है, तो अगर ये मान के चलते हैं कि 18,500 का, 600 का जो हमारा लेवल था उसे क्रॉस करता है, वो 19,000 का एक अप बनाता है। तो 19,000 जब भी आए यहाँ पर आपका प्रॉफिट में आए, तो यहाँ पर आपको कैश इन करना है। कैश इन करके आपको थोड़ा सा स्टॉक्स बेचना है और थोड़ा सा वेट करना है, ओके? क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अभी रिकवरी आ गई है, भागता हुआ नजर आएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर ये होगा कि आप यहाँ पर रिकवरी तो हो जाएगी, बट उसके बाद थोड़ी सी और गिरावट होगी, तो दोबारा आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव आ जाएगा। उस टाइम यहाँ पर पैसे लगाने के लिए आपके पास नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ पर जब भी आपका प्रॉफिट में आए, ओके, या थोड़ा बहुत आपको कैश इन करना है, और जैसे ही गिरावट हो आप यहाँ पर पैसे लगाइए, तो फिर एक एवरेज बनता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर जब दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रॉफिट बुक आपको हर लेवल पे करना है, हर बार करना है, तो जब भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट आए लीजिए। कोई भी चीज ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आती है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। ये तो निफ्टी 50 का हो गया, देखिए केवल 4.5-5% के आसपास गिरा है, बट निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप उससे ज्यादा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर सुबह 17% दिखा रहा था, उसके बाद और गिरावट हुई, तो लगभग 20% के आसपास ये अपने टॉप से गिर चुका है, तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट हुई है। और यहाँ पर आज के दिन में ही लगभग ये 5.5-6% गिरा है, लगभग 1% और ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। ओके, राउंडिंग अप इसने बना लिया है, अब लेट्स सी क्या होता है। अगर ये लेवल इसका टूटता है, जो कि कल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल नजर आता है मुझे, ओके, इस लेवल को अगर ये निकालता है, ये गिरता है इस लेवल से, तो याद रखिए यहाँ पर एक हर्डल सो रहा है यहाँ पर, ये वाला, या फिर सीधे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25,937, 25,937 से लगभग 1,000 पॉइंट की और गिरावट होगी, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर शायद सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, तो लेट्स सी क्या होता है। एक चीज देखते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट आता है, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी जिस तरीके से वॉर हो रहा है तो शायद थोड़ी बहुत गिरावट और यहाँ पर हो सकती है, गिरा सकती है, बट मिड कैप जब भागेंगे तो याद रखिये रिटर्न ही ये देते हुए नजर आएंगे। जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप 2008 में जब गिरे थे, ओके, और स्मॉल कैप कंपनी आई थी, वो आज लार्ज कैप बनी हुई है, तो इसी तरीके से बेहतरीन कंपनी मिलती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से आपको यहाँ पर देख के, सोच के, समझ के यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, चीजों को यहाँ पर समझना है, और जितना समझोगे उतना यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। सेम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए सुबह तक 20% गिरा हुआ था, और अभी की बात करें तो 23%, 22% तक गिरा हुआ है। तो देखिए 22% ये गिरा है, 20% मिड कैप गिरा है, और लगभग 16-17% तक यहाँ पर निफ्टी 50 गिरा है, तो यहाँ पर 2-3% का ऊपर नीचे यहाँ पर चलता रहता है, तो इसी तरीके की गिरावट होती है, और उसी तरीके से यहाँ पर भागते भी है। जब भागे थे तो स्मॉल कैप ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिए थे, फिर मिड कैप ने और निफ्टी 50 ने, उसके कंपेरिजन में थोड़े कम रिटर्न दिए थे। सपोर्ट की बात करें तो एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर ही चल रहा है, ओके, इसके आसपास अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, अगर इस लेवल को यहाँ पर निकालता है, यहाँ पर देख लीजिए इस लेवल को अगर ये निकालता है 9199, लगभग 9200 के आसपास, लगभग 120 पॉइंट की अगर और गिरावट होती है, और इसे यहाँ पर गिरावट होने के बाद याद रखिए ये और नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और नीचे आते हुए लगभग लगभग 733 तक आ सकता है, और इसके बाद की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है, और मेन सपोर्ट तो फिर इसका यहाँ पर ही आएगा 7840, क्योंकि स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में भी उसी तरीके की गिरावट भी होती है, तो फिर यहाँ पर ये एक सपोर्ट बनता हुआ मेन नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 7854 के आसपास, तो इसमें भी 1,000-1,500 पॉइंट, 1,000-1,300 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट हो सकती है, और राउंडिंग अप बना के यहाँ पर नीचे आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, इस तरीके की वॉर की सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी कंपैरिजन में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रूड के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्रूड के प्राइस यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो क्रूड के प्राइस इससे पहले भी बढ़े और बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले यहाँ पर 2016 यहाँ पर देखिए 2014 में यहाँ पर अच्छे खासे क्रूड के प्राइस चल रहे थे, लगभग 109 रुपए के आसपास चल रहा था, इसके पहले भी यहाँ पर देखिए 114 के आसपास चल रहा था, और यहाँ पर देखेंगे 2008 में तो 146 के आसपास यहाँ पर क्रूड के प्राइस आए थे, और अभी उस तरीके की कोई ऐसी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रशिया की वजह से ये क्रूड प्राइस बढ़े, अगर रशिया यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है, दोबारा 70 तक यहाँ पर क्रूड आता हुआ नजर आएगा और मार्केट अपने आप संभलती हुई नजर आएगी, तो इस चीज की तरफ भी ध्यान दीजिए। गोल्ड के प्राइस भी इसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें
तो इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे यहाँ पर क्रूड, ये रशिया का मामला खत्म हो जाएगा, क्रूड नीचे आएगा, क्रूड नीचे आएगा, तो अगेन ये चीजें भागती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस क्या है, तो देखिए ये एक इवेंट है, एज वेल एज यहाँ पर जो टेम्परिंग से रिलेटेड है जो कि मार्च में होने वाली है वो एक इवेंट है। तो यहाँ पर 2-3 महीने आपके लिए क्रूशियल्स है, और जैसे यहाँ पर सब चीज, यहाँ पर चीजें सेट होती हुई नजर आएगी, कंपनी के ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी के वैल्यूएशन यहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाएंगे। एक गिरावट और ऐसी हुई तो याद रखिए सारी मोस्टली कंपनी के वैल्यू अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर दीजिएगा, और यहाँ पर जब बाइंग करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर कल गिरावट होती है इस तरीके की, जैसी कि आज गिरावट हुई है, अगर 800 पॉइंट यहाँ पर 1500 के आसपास ये आ जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर से आपको बाइंग करना शुरू कर देना है, और फिर चीजें भागेगी तो अच्छी खासी भागेगी। लोग कहते रहेंगे, लोग कहते रहते हैं, बट चीजें ऊपर जानी है तो ऊपर, और भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, इस चीज को याद रखिएगा। तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।